जम्मू से आवाज लगने वाली है. लेडीज एंड जेंटलमैन, जम्मू से मीरपुर जाने वाली ट्रेन आधे घंटे में चलने वाली है. आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें. किसने हक दिया था मेरा साइकिल छीनने का? ये मेरे हक छीने हैं आपने. मैं दुनिया के किसी भी कोने में बस जाऊं, बड़ी से बड़ी इमारत में रहूं, लेकिन मेरी मीरपुर की गली मेरे खून के अंदर है. सबसे पहले मंच पर बैठी महान आत्माएं और गुरुजनों को मेरा सबसे प्रणाम. आप सबको भी मेरा प्रणाम. आज का जो सभा है, जेके पीपल्स फोरम ने इसलिए नहीं बुलाया है कि पुराने जख्मों को कुरेदा जाए. इसलिए बुलाया है कि अगर जख्म सूख गए तो किसी काम के नहीं रहेंगे, जख्म हरे रहने चाहिए. हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जो इन इलाकों में हमारे साथ हुआ है, चाहे वो वीरपुर हो, मिर्जाबाद हो, या कोटली हो, या बिम्बर की सब जगह है, छमछोड़ियों की भी जगह है जो है वहां रह गई है, उनमें क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए. लेकिन एक बात हम कभी नहीं भूल सकते कि हमारे बुजुर्गों ने हमें जिंदा देखने के लिए, हमें खुशहाल देखने के लिए, हमें आज के दिन एक होने के लिए अपनी कुर्बानी दी है. ये हम कभी नहीं भूल सकते. वहां से आने के बाद भी उनके बच्चों की स्ट्रगल खत्म नहीं हुई. मेहनत की, मशक्कत की, अपने हिस्से की जमीन आज तक ढूंढते रहे, लेकिन नाम मिला पीओजेके. तकलीफ वाला है लेकिन घबराए नहीं. आप सबके सामने सीना ठोक कर खड़े हैं कि हाँ, हम ही वो लोग हैं. हमने फेस किया हर मुकाबले को. यही होना चाहिए था. किताबों में लिखा गया, कहा गया बहुत कुछ. अगर मैं आपसे कहूं कल मैंने लिखा था ये धरती उसी की है, कल मैंने लिखा था ये धरती उसी की है जो जुल्म के मौसमों में खुले आसमान के तले अपनी धरती पर अपना लहू बहाएगा. कलम में लिखा था यह धरती उसी की है. लेकिन यह सब कहने से, सुनने से आसान नहीं है कि जो आपके अंदर 30 है वो खत्म हो जाए. और खत्म होने भी नहीं चाहिए. मैं पूछना चाहूंगा, वीरपुर हो, कोटली हो, किसने हक दिया था मेरी गलियां छीनने का? किसने हक दिया था वो मेरी खट्टी मीठी गोलियां छीनने का? किसने हक दिया था मेरा साइकिल छीनने का? ये मेरे हक छीने हैं आपने. मैं दुनिया के किसी भी कोने में बस जाऊं, बड़ी से बड़ी इमारत में रहूं, लेकिन मेरी मीरपुर की गली मेरे खून के अंदर है. कभी नहीं भूल सकते. लेकिन कमाल की बात है कि आज हम सब एक ही शिप में सवार हैं. सबकी तकलीफें एक जैसी हैं, फिर भी एक दूसरे को देख के खुश हैं हम लोग. हमारे एक होने का समय आ गया. अब वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू से आवाज लगने वाली है.
Ladies and gentlemen, जम्मू से मीरपुर जाने वाली ट्रेन आधे घंटे में चलने वाली है। आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट टू कोटली ऐसा होगा और ऐसा हो के रहेगा। अपने दिमाग में से शक को निकाल ले। मौसम बदल गया, सोच बदल गई, हम सब एक हो गए। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, ना किसी दोस्त से, ना किसी दिलनशी से निकलेगा हमारे सामने कर दिया। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।